हेलो एंड वेलकम बैक गाइज टू माई यूट्यूब चैनल फ्री इलेक्ट्रॉन फन। आज की इस वीडियो में आपके लिए कुछ नया लेके आया हूँ गाइज। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि टायर्स के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। टायर्स तो आप लोग को पता ही होंगे, काफ़ी कुछ आपको पता भी होगा, लेकिन जो चीज़ आपको नहीं पता होंगी, जो कि बहुत ही ज़रूरी है, अगर जो आप उनका ध्यान ना दें तो उसकी वजह से आपकी गाड़ी ख़राब हो सकती है, आपकी गाड़ी के टायर्स ख़राब हो सकते हैं, अलाइनमेंट बिगड़ सकता है, बहुत सारे उसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। गाइज ये वीडियो और भी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है कि अगर जो आपको ये इन्फॉर्मेशन होगी टायर्स के बारे में प्रॉपर, तो आपको कोई ठग नहीं सकता। जैसे आप मैकेनिक के पास या फिर किसी शॉप पर जाते हो, वो आपको गलत टायर नहीं पकड़ा सकते। अगर जो आप उसके सामने ये सब टर्म्स यूज़ कर दोगे, 175/70 या फिर रेडियल कितने इंचेस का है या फिर कितना वेयर, कितने LBS का वेट अपना बियर कर सकता है, तो अगर जो ये सब टर्म्स आप बोल दोगे तो कोई आपको कम मतलब ठगने के चांसेस कम है। जैसा कि स्टार्टिंग में जब मैंने कार बाई की थी तो मुझे पता नहीं था, तो मुझे लगता था खाली टायर का केवल इंचेस, कितने इंचेस का टायर है वही इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन बाद में मुझे पता चला कि उसकी विड्थ भी इंपॉर्टेंट होती है, कि विड्थ कितनी होनी चाहिए, लेंथ कितनी होनी चाहिए, एस्पेक्ट रेशियो कितना होना चाहिए, कौन से कितना वेट ये बियर कर सकता है, इसमें प्लाइज कैसी है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इसीलिए ये आपके पास इन्फॉर्मेशन होनी बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को देखो और एक इन्फॉर्मेशन लेके रखो मोटी मोटी, कि कहीं आपको फर्दर आगे कोई ठग ना पाए। ये लोगों को लगता है कि वो टायर्स के बारे में अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन रखते हैं, बट यही मुझे भी लगता था, और जो कि मैंने गलतियाँ की हैं उसमें आपको दिखाता हूँ क्या क्या होता है अगर जो हमको अच्छे से नॉलेज ना हो टायर की। तो क्योंकि इस वजह से मैंने अपने गलत टायर लगवा लिए थे, बहुत ही माइनूट सा फर्क पड़ा था, और उसकी वजह से आगे बहुत ही सारे साइड इफेक्ट्स हो गए। मतलब अलाइनमेंट बिगड़ गई, तो टायर जल्दी कटने लगा, घिसने जल्दी लगा, और उसकी वजह से काफ़ी सारे दूसरे इफेक्ट भी होते। तो मैं आपको दिखाता हूँ दिक्कत कहाँ आई थी। मैंने गलती की थी वो मैं आपको दिखाता हूँ क्या गलती हुई थी। मुझे लगता था मुझे पता है टायर्स के बारे में, बट मुझे नहीं पता था। ये देखो यहाँ पे एक नंबर देख पा रहे होगे, 175/, ये देखो यहाँ पे 175/70, ये गाड़ी का नंबर होता है इस टायर का, ठीक है। 175 हमारा क्या इंडिकेट करता है, इसकी विड्थ मिलीमीटर में, कितने मिलीमीटर का है ये टायर, और ये हमारा 70 होता है एस्पेक्ट रेशियो हाइट का, ठीक है। कितने मतलब 70% इसकी हाइट है और रिमेनिंग 30% इसका वेट रहेगा। तो जो मैंने गलती की थी स्टार्टिंग में, मतलब मुझे पता नहीं था, तो मेरा टायर ज़रा सा ख़राब हुआ था, तो मैंने चेंज करवाया, सेकेंड हैंड टायर लिया था एमरजेंसी में, तो उस मैकेनिक ने मुझे ये छोटा टायर दे दिया, समझ लो। इसका नंबर देखो 155/70 है, यहाँ पर अगर जो आपको दिख रहा हूँ उसमें क्या था 175 और इसमें है 155। 155 कहने का मतलब इसकी विड्थ 155 है, मतलब ये पतला टायर है और 70 सेंटीमीटर, चलो ये तो ठीक है, रेडियल 13 इंचेस का है, ठीक है, ये तो ठीक है, बट पतला है, जो कि तो ये गलती मैंने की थी और मैं नहीं चाहता आप लोग ये गलती करो। तो ऐसे ही आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए अपनी कार के बारे में। नया आप लेने जाओगे किसी अच्छी शॉप से, वहाँ आपको इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप कहीं एमरजेंसी में सेकेंड हैंड टायर लेते हो तो वहाँ पर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन काम देगी। तो मुझे उस टाइम नहीं पता था, तो उसने मेरे को ठग लिया एक तरह से, उसने मुझे ख़राब टायर दे दिए। तो सबसे पहले अगर जो आप चीज़ नोट करते हो तो टायर की ब्रांडिंग होती है इसमें, ये जो आपको सबको पता होगा कि ए सी एट का टायर है, यहाँ पे कहीं का ब्रिजस्टोन का होता है, गुडियर का होता है, तो ए सी एट का है मेरा, मैम, ठीक है। तो और उसके बाद अगर जो हम और क्लोजली इसको देखें तो ये नंबर आता है यहाँ पर, तो ये नंबर हमारा क्या बताता है, तो ये जो जैसे मैंने बताया आपको 175 इसका विड्थ है मिलीमीटर्स में, 175 मिलीमीटर का विड्थ है। ये जो 70 होता है ये आपको इंडिकेट करता है एस्पेक्ट रेशियो हाइट का, हाइट एस्पेक्ट रेशियो टायर का कितना है, 70% इसकी हाइट है, और जो 30% होता है वो विड्थ होता है। और ये जो अल्फाबेट आर है आपकी गाड़ी में होगा आर, तो वो ये बताता है कि रेडियल कितने इंचेस का है। तो रेडियल जैसे यहाँ पे 30 नंबर है, मेरे बता रहे हैं कि ये 13 इंच का टायर है, ये टोटल इसकी जो लेंथ है ये 13 इंचेस का टायर है। आपके में हो सकता है 16 हो 15 हो 18 हो, तो कितने इंचेस का टायर है तो वो इंडिकेट करता है। जितना बड़ा टायर होता है उतना अच्छा होता है, 18 इंच का और अच्छा होता है, 16 इंच का और अच्छा होता है, रोड पे पकड़ अच्छी बनाता है, ठीक है। 13 इंच का भी ठीक है, मतलब उतना अच्छा नहीं जितना 15 इंचेस का होता है। और उसके बाद अगर जो हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है हमारा 82, ये जो नंबर लिखा है, आप सोचोगे क्या लिखा हुआ है, तो 82 नंबर हमारा इंडिकेट करता है आपकी गाड़ी कितना वेट बियर कर सकती है। 82 जैसे ये नंबर स्टार्ट होता है 75 से और जाता है 120 तक, तो जो 82 नंबर है ये हमारा बताता है कि अराउंड 1047 LBS तक का वेट उठा सकता है टायर बिना फटे। तो अगर जिसको हम केजीज़ में करें तो नियर अबाउट आता है 550 kg, 550 kg तक ये टायर उठा पाएगा वेट। अगर उससे ज़्यादा होगा तो फटने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपकी गाड़ी में अलग नंबर होगा, जितना ही अच्छा टायर होगा उसी हिसाब से होता है, ठीक है। और जिसके आगे आप अगर जो हम बढ़ते हैं तो यहाँ एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है टी, आप लोग सोचोगे टी क्या लिखा है, टी हमारा बताता है कौन सी स्पीड लिमिट तक ये झेल सकता है, बिना फटे चल सकता है। तो जो ये टी नंबर है इसका टी इंडिकेट करता है कि 180 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से अगर जो गाड़ी चल रही है आपकी, तो मतलब टायर फटने का कोई चांस नहीं है, आप सेफ़ हो। और उससे ऊपर चलते हो 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हो सकता है आपका टायर फट जाए, क्योंकि ये नंबर इसी को आप देख लीजिए आपकी गाड़ी में कितना होगा। और अब जब भी आप अगर जो टायर चेंज करवाते हो तो अपनी गाड़ी के मैनुअल में पढ़ लीजिए कि कितनी स्पीड लिमिट है आपकी गाड़ी की, उसी हिसाब से अल्फ़ाबेट देख के आप टायर लीजिए। लोग ध्यान नहीं देते हैं इस चीज़ में, जैसे कि मेरी गाड़ी में 200 किलोमीटर की स्पीड है, 200 किलोमीटर पर आवर की, तो ये टी है 180 तक का वो ठीक है, क्योंकि 200 तो चलती भी नहीं मेरी गाड़ी इतनी फास्ट। आपकी गाड़ी में कितना भी हो, जैसे 120 किलोमीटर पर आवर वालों के लिए होता है एल, एल से स्टार्ट होता है जेड तक जाता है, जो जिस पे एल मार्किंग होगी
तो समझ लो वो मैक्सिमम स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर तक की ही झेल पाएंगे, उसके ज़्यादा आप तेज़ चलाओगे तो फटने के चांसेस हैं। तो अगर जो फिर उसके आगे बढ़ेंगे तो उस पर लिखा होगा ये मार्किंग ये ट्यूबलेस है, बता रहा है कि इसके अंदर ट्यूब नहीं पड़ेगा, ट्यूबलेस टायर है। तो यहाँ पे आप देखोगे लिखा हुआ है यहाँ पे प्लाइज ट्राइड, ठीक है, प्लाइज किस हिसाब से प्लाइज सेट है इसमें वो इन्फॉर्मेशन दी हुई है। जैसे इसमें लिखा हुआ है अगर जब देख पाओ तो 1 पॉलिएस्टर + 2 स्टील + 1 नायलॉन। प्लाइज क्या होती है पहले तो आपको दिखाऊं, प्लाइज होती है हमारी ये इस तरीके से कैसे सेट है, मतलब इसके अंदर जो जो स्टील की वायर्स और जो नायलॉन पड़ा हुआ है और जो पॉलिएस्टर की लाइनिंग्स हैं ऐसे ऐसे गोलाई में, तो वो किस हिसाब से पड़ी हुई, तो वही इसमें बताया गया कि क्या कॉम्बिनेशन है, एक पॉलिएस्टर का 2 स्टील वायर्स हैं और प्लस 1 नायलॉन का थ्रेड रहेगा इसके अंदर, ये होती है प्लाइज। और उसके अगर जो आप नीचे जाओगे तो यहाँ लिखा हुआ है साइड वॉल, साइड वॉल किसकी है वो आप यहाँ पे बताया हुआ 1 पॉलिएस्टर, ठीक है, ये पॉलिएस्टर ये होती है हमारी साइड वॉल, ठीक है, वो पूरा पॉलिएस्टर है, यहाँ पे कोई थ्रेड है फिर नायलॉन नहीं है। फिर अगर जो हम आगे बढ़ते हैं तो उसके बाद यहाँ पे आता है इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे लिखा हुआ है मैक्सिमम लोड कैपेसिटी, ये देखिए टायर में लिखा होता है कि मैक्सिमम लोड कैपेसिटी कितना है, 475 केजी तक का ये टायर उठा सकता है, ठीक है, 1047 LBS, जो कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे ये नंबर इंडिकेट करता है, ठीक है, 82 नंबर हमारा यही बताता है 1047 LBS तक का ये टायर आपका वेट उठा सकता है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे मैक्सिमम इन्फ्लेशन आप कितनी हवा भरा सकते हैं मैक्सिमम, ये खैर आपको इतना वरीड होने की ज़रूरत नहीं है, ये आप उसको बोल देना कि मुझे इतना ही प्रेशर में हवा चाहिए, तो जो हवा भरते हैं उसी हिसाब से भरेंगे, इतना ही आपको रखना है। बाकी इस पे लिखा होगा मेड इन इंडिया, आप में कुछ और लिखा हो सकता है, मेड इन चाइना, मेड इन जापान, जो भी कहीं का, ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन है। तो सबसे गाइस इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, और बाकी यहाँ आता है सेफ्टी वार्निंग्स, सेफ्टी वार्निंग्स में आपको ज़्यादा कुछ नहीं, सेफ्टी वार्निंग्स में यही लिखा हुआ है कि टायर की हवा सही रखी है और अगर जो सही से माउंट नहीं होगा, सही से फिटिंग नहीं होगी टायर की, तो फट सकता है, जल सकता है, जल्दी घिस सकता है, ये सारा है, ठीक है। बाकी जो मेन चीज़ आपकी रहेगी, जो आपको ध्यान रखना है, ज़्यादा कुछ नहीं, इस नंबर का ध्यान रखिए, आपकी गाड़ी में किस नंबर के टायर लगे हुए हैं, मोस्ट लोग ध्यान नहीं देते, R13 और ये 82, बाकी तो हर चीज़ इंपॉर्टेंट। तो गाइस कैसी लगी आपको ये वीडियो, अगर जो इस वीडियो से कुछ आपको नया सीखने मिला है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आगे बने रहो और दोस्तों में भी शेयर करो, अपने दोस्त अजय इलेक्ट्रॉन के साथ। बाय बाय।